ये देखो बच्चा कैसे निकल रहा है बाहर से। हाय, खिड़की ऐसे ही खुला छोड़ दिया है ना। कभी कभी हमें मजबूरी से उल्टा रोड में जाना पड़ता है। वाओ, देखो कितना अच्छा लाइटिंग किया है, बहुत अच्छा किया है। इधर अंदर भी अच्छा अच्छा, लेकिन वो लाइट वो जलाया नहीं अभी तक। अब देखो रॉकेट आ रहा है, रॉकेट। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे शाबाश, क्या बात है। ये ना कभी कभी हमें मजबूरी से उल्टा रोड में जाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, उल्टा रोड बिना सीधा रोड में जा नहीं सकते अभी तो। अगर आप लोग अगर ऐसी उल्टा रोड में कभी भी कोई काम पे अगर जाओ तो ज़रूर ध्यान रखना आगे वाला को, और क्योंकि गलती आप कर रहे हैं, रॉन्ग वे से ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है ध्यान रखना आगे से कोई गाड़ी आ रहा है क्या, पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है क्या, तो इसके बारे में ज़रूर ख्याल रखना, ध्यान भी रखना। बहुत ही अच्छा होता अगर इंडिया सरकार पेट्रोल फ्री कर देता तो। ये जब तक बाइक है तब तक पेट्रोल तो डलाना ही पड़ेगा भाई, लोग क्या करें यार, रोज 400-500 रुपए का पेट्रोल डलाना पड़ता है। पेट्रोल डल डल के मर जाऊंगा। और ऐसे भी दो पाँच दिन से हमारा प्लान चल रहा है, कोई दोस्त मुझे फ़ोन किया था विकी भाई मुझे फिर से -15 डिग्री में राइड कराना है, क्योंकि मैं पिछली बार जब गया था नवंबर का 8 तारीख को गया था शायद, तो नवंबर को 8 तारीख को जाके हम लोग फंस गया था 5 दिन लगभग, और 5 दिन फंसने के बाद में उधर आर्मी कैंप पे रुका था हम लोग। तो दोबारा हमारा ऐसे ही प्लान बन रहा है, और इस बार पूरा ग्रुप को साथ, अगर मैं भी सोच रहा हूँ अगर फंसना ही है तो अकेला क्यों फंसूँ, 2-4 को लेके फंसता हूँ। तो देखता हूँ, प्लान करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी प्लान सक्सेसफुल हो जाए। एंड आप लोग वीडियो देखते रहें, ज़रूर आपको अच्छा अच्छा ब्लॉग अच्छा अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा। और फिलहाल अभी तो उत्तराखंड जाने के प्लान है, फिर उत्तराखंड जाने के बाद में फिर प्लान करता हूँ हम लोग लद्दाख का दोबारा। हाँ आ गया सेठ, कितना करके पेट्रोल दे रहा है? अच्छा हिसाब का दे रहा है, 109 रुपये पेट्रोल है मानो, अब इतना पैसा से कौन डलाएगा। बहुत अच्छा होता ना अगर इंडिया सरकार अगर पेट्रोल फ्री कर देता तो। यार एक बात बताओ, आपको कमाई कहाँ से होता? 200 का दे दो, अभी सुबह 400 का डाला है फिर 200 का डालना पड़ रहा है, मर जाऊंगा मैं पेट्रोल डालते डालते। ये बुनियान तो चेंज कर लो, गरीबी है। अरे गरीब का बात नहीं है, इधर का आदत है, इधर का आदत है, गांव में जितना भी लड़का को देखता हूँ पैसा तो काफ़ी है यार, रोज रोज इतना पेट्रोल कहाँ से डलाऊ यार। भाई लोग इसलिए बोलता हूँ, बाइक खरीद करने से पहले पेट्रोल खर्चा निकालो, पेट्रोल खर्चा निकाल के फिर बाइक ले। पेट्रोल जितना से महंगा हो रहा है, इतना महंगा अगर ऐसे ही चलते रहे तो भिखारी बन जाऊंगा मैं। अब देखो रॉकेट आ रहा है, रॉकेट। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे शाबाश, क्या बात है। ड्राइव हो तो ऐसी कैसे थूक फेंकता है यार। वाह, बिगेस्ट क्रिमिनल, बिगेस्ट बिजनेसमैन, सब जैसे कि रोड उसके बाप बना के रखा है, कटिंग करता है, ना कोई इंडिकेटर है ना कुछ है। लोग कब सुधरेंगे पता नहीं, बिना हेलमेट में जैसे ड्राइव करता है, इतना डेट हो रहा है, इतना एक्सीडेंट हो रहा है, उसके बाद में भी सुधारता नहीं, बोलना ही बेकार है भाई। ए है हमारा बापी इंडस्ट्रियल एरिया, दशा का सबसे टॉप क्लास प्लेस, जहाँ पे 400 फैक्ट्रिया है, और काफी महंगा है जमीन का रेट, और रोड भी अभी नया नया बना है, टोल रोड बन गया,
बहुत बढ़िया क्या, इंडिया छोड़कर कम से कम बाइक का टोल नहीं लेता, इसके लिए थोड़ा बहुत पैसा वगैरह सेव हो जाता है। अगर ऐसे ही अगर पेट्रोल भी फ्री कर देता तो स्पेशली हमारे जैसे राइड के राइडर के लिए बहुत अच्छा हो जाता। तो मुझे जाना है अभी फिलहाल होटल, और होटल में मेरा एक भाई आया है नेपाल से, जिससे अभी मिलना है, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात करना है, देन मुझे घर पे रिटर्न होना है। क्या ना, एक ही रोड में बार बार जाने में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, कुछ नया करना चाहता हूँ लेकिन होता नहीं, और जो होता है वो कभी सोचता नहीं, क्या करे, लाइफ तो पूरा जान बन गया। हम सोचता हूँ कोई भी काम आज नहीं है तो कल करूँगा, कल नहीं है तो परसों करूँगा, लेकिन ऐसी टाइम ही नहीं मिलता है भाई लोग, ऐसे लगता है बस काल 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 काल, पूरा जिंदगी निकल जाता है, होता ही नहीं। तो इसलिए बोलता हूँ कोई भी काम करो तो अभी करो, इसी वक्त, कल के लिए कोई टाइम नहीं है, क्या पता कल हो ना हो, मुझे कैसे पता मैं कल जिंदा हूँ ना मर जाऊँगा, क्या पता। तो इसलिए खुशी से ज़िंदगी जियो, जो मन चाहे वो करो, बस एक बात ध्यान रखना, कैरेक्टर को कोई दाग लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम राइडर लोग हैं और मैं नए आदमी से हमेशा मिलता हूँ और सबको बहुत ही रेस्पेक्ट से बात करता हूँ, जिसके लिए अगर रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा, रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो घंटा भी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, स्पेशली राइडर को बता रहा हूँ मैं। तो बाहर चलने के लिए पहले बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका, लैंग्वेज, नहीं तो बाहर चल नहीं पाओगे आप लोग। चलो आ गया, क्या हाल है, आप ही कर रहा है, गुड, बढ़िया है, कितना बजे है, ए भैया है, क्या हाल है, बैठो, ए भाई लोग दोनों अभी आया, अभी होटल में थोड़ा सा काम है, भैया से मिलना पड़ेगा, कह रहे दो तीन बार ऑलरेडी कॉल कर दिया, जे कहा हो बोलकर। क्या हाल है भैया, कहाँ है, लाइट नहीं है क्या, इतना कॉम लाइट लगा कर रखे, आ जाओ चले अंदर चलता हूँ, ये गिलास नया लगाया, हाँ ये दोबारा, ये कब लगाया भैया, है हमें भी ऐसे ही करना है, फर्नीचर वगैरह तो ऑलरेडी बोल के आया, एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा, भैया को बुलाओ ना एक बार, आऊँगा तो 4-5 बजे आऊँगा, 4-5 बजे, हाँ 5 बजे से बाद में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, धूप होती है ना, हाँ, वाओ देखो कितना अच्छा लाइटिंग किया है, बहुत अच्छा किया है, इधर अंदर भी है। अच्छा, लेकिन वो लाइट बोला था ना आपको, हाँ, वो जलाया नहीं अभी तक, हाँ, अरे शेठ जी भी बहुत तो आपका जैसे खतरनाक, एक से एक देखा हम अंदर रूम में, देखना अलग अलग लगाया हुआ है, बहुत शानदार बना दिया, अच्छा नहीं, अच्छा है, लाइट अच्छा लग रहा है, ये गाड़ी वाले ने तोड़ दिया, अच्छा, कैमरा में आ गया, फिर उसको व्हाट्सअप करके शेठ जी ने डाल दिया, बोला मैं उधर जाके लेकर आऊंगा उसको, और वहाँ से पता नहीं, एक एक आता लाता है, आगे नहीं देख के गाड़ी ड्राइव करता है, अभी शाम हो गया, मेरा बाइक का लाइट भी नहीं है, प्रॉब्लम होता है चलाने में, अरे ट्रैफिक आज कभी कभी तो ये रोड में कोई गाड़ी नहीं दिखाई देता है, और कभी कभी इतना भीड़ लगता है, ये देखो बच्चा कैसे निकल रहा है बाहर से, हाय, खिड़की ऐसे ही खुला छोड़ दिया,
गाइस आज का वीडियो इतना सा ही था फिलहाल, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा वीडियो, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय गाइस।